सो हेलो एवरीवन, आज हमारी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की चौथी क्लास है। आज हम कुछ पढ़ने नहीं वाले, आज हम सब क्वेश्चन देखेंगे ढेर सारे अब तक जो पढ़ा उन सब के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने ट्रांसपोज और मैट्रिक्स कवर करा था एंड उससे लास्ट क्लास पे हमने फिर ऑपरेशन और मैट्रिसेस कवर करे थे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो उन सब पे ही बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो जेई मेंस पे आ चुके हैं, वो उन सबको ही देखने जा रहे हैं हम आज। सो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, इफ़ ए एक मैट्रिक्स दे रखा है एंड बी एक मैट्रिक्स दे रखा है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x3 एंड बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x1। दो मैट्रिसेस दे रखे हैं एंड ए बी दे रखा है, तो एक्स और वाई में रिलेशन पूछा है। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, ऑल्दो जेई मेंस में आ चुका है एक बारी। सो देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। ए एक मैट्रिक्स है, सिमिलरली बी भी एक मैट्रिक्स हमें दे रखा है एंड ए बी की वैल्यू दे रखी है एंड एक्स एंड वाई में कुछ रिलेशन है। चार ऑप्शन दे रखे हैं कि वाई इज इक्वल्स टू 2x, वाई इज इक्वल्स टू -2x, वाई इज इक्वल टू एक्स या डी ऑप्शन वाई इज इक्वल्स टू -x। तो आपने अगर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस वाला वीडियो देखा है मेरा, तो फिर आप समझ जाएंगे कि इसका ऑर्डर है 2x3 एंड इसका ऑर्डर है 3x1। तो ये दोनों में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ़ रोज के बराबर है एंड रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2x1। यहाँ हम देख सकते हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x1 ही है, दो रोज है और एक कॉलम है। सो शुरू करते हैं। सिंपल क्वेश्चन, ए बी निकाल देते हैं हम सब एंड जो दिया उसे इक्वेट कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे हम सब, रो बाय कॉलम, इस रो को उठाया, इस कॉलम पर रख दिया, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, हो गया 1 × y करा तो y, 2 × x करा तो 2x एंड x × 1 करा तो x। सिमिलरली इस रो को उठा के इस पे रख दिया, अगेन 3y - x + 2 इज इक्वल्स टू दे रखा है। तो हमारे पास दो वेरिएबल है x एंड y एंड दो इक्वेशन आ जाएंगे इससे। ये इक्वल का साइन है, मतलब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। इक्वल मैट्रिसेस के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ऑर्डर सेम होता है, ऑर्डर सेम है, देख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देते हैं। तो ये 2x + x 3x हो जाएगा, 3x + y 6 के इक्वल होगा, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ये 2 है, सिमिलरली 3y - x + 2 8 हो जाएगा। दो इक्वेशन आ गए, दोनों की हेल्प से अब हम एक्स एंड वाई निकाल लेंगे। तो एक काम करते हैं कि इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 2 × 3 कर दिया, तो ये हो जाएगा -3x + 9y। ये 2 इधर दे जाते हैं तो फिर ये 6 बन जाता एंड 3 से इसे मल्टीप्लाई करके हम 18 एंड अब इसे प्लस कर देते हैं इक्वेशन 1 के साथ। ये काफ़ी सिंपल मैथ्स है। y = 24/10 आ गया। y के इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, 3x + 24/10 उधर ले जाते हैं तो 6 - 24/10 60 - 24/10 3 - 24/10 ये 60 - 24 क्या आएगा हमारे पास, 36/10 y = आई एम सॉरी ये x है, y तो आ गया हमारे पास, 3x = 36/10 x = 12/10 x = 12/10 एंड y = 24/10। ये आ गया क्लियरली, x में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो y आ रहा है, मतलब कि y = 2x।
इसका ये ऑप्शन दे रखा है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 2x, पहला ही ऑप्शन y इज इक्वल्स टू 2x आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस पे बेस्ड इजी सा क्वेश्चन जेई मेंस में आ रखा है। इफ पी क्यू आर आर थ्री रियल नंबर सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन दिस देन 2p प्लस q माइनस r इज इक्वल्स टू, देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखा है, पी क्यू आर एक मैट्रिक्स है मल्टीप्लाइड बाई एक 3x3 का मैट्रिक्स है, इज इक्वल्स टू 301। सो पी क्यू आर थ्री रियल नंबर्स है एंड हमसे पूछा गया है 2p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर की वैल्यू, मतलब पी क्यू आर बेसिकली हमें निकालना है, फिर उसे इस पर पुट कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें। सो ये हम सब देख सकते हैं, नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, इसका ऑर्डर है 1x3 एंड दिस इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज एंड रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1x3, यहाँ वेरीफाई भी कर सकते हैं इसका ऑर्डर है 1x3। सो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, पी क्यू आर रो बाई कॉलम 3p प्लस 3q प्लस 2r सिमिलरली 4p प्लस 2q 0 × r 0 सिमिलरली p प्लस 3q प्लस 2r ये इक्वल दे रखा है हमें 301 के। तो p q r तीन वेरिएबल्स तीन इक्वेशन आ गए हमारे पास, ऐसे हम p q r की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि ये इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसे, सिमिलरली 4p प्लस 2q से इक्वेशन 2 सिमिलरली p प्लस 3q प्लस 2r इक्वल्स टू 1 एंड इसे पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना काफ़ी इजी सी चीज़ है। पहले इक्वेशन 1 एंड 3 का यूज़ करते हैं, 1 से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3q एंड 2r कैंसिल हो जाएगा एंड 3p माइनस p विल बी 2p एंड 3 माइनस 1 हमें देगा 2। ये काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, आई होप आप समझ रहे हो। देन p इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा हमारे पास, p की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी। सो 2q is equals to minus 4, q is equals to minus 2, pq की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करते हैं एंड r निकालते हैं। सो p की वैल्यू हमारे पास 1, p की वैल्यू 1, सो 1 प्लस क्यू आया हमारे पास माइनस 2, 3 × −2 प्लस 2r इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 प्लस 2r इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5 प्लस 2r इज इक्वल्स टू 1, r की वैल्यू 3। सो p आ गया था हमारे पास 1, q आ गया था माइनस 2 एंड r आ गया है 3 एंड हमें वैल्यू निकालनी है 2p प्लस q माइनस r की। तो 2p यानी 2 × 1 प्लस q इंटू मतलब माइनस 2 माइनस r यानी माइनस 3 माइनस 3, ऑप्शन में माइनस 3 दे रखा है ऑप्शन है। सो
ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ट्रांसपोज पे बेस्ड क्वेश्चन। ऐसा सा एक क्वेश्चन मैंने लेक्चर में भी आप लोगों को कराया था, ये उससे थोड़ा अलग है बट वैसा सा ही कुछ है। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फॉर 2 3 × 3 मैट्रिसेस ए एंड बी लेट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2b ट्रांसपोज एंड 3a + 2b इज इक्वल्स टू i3 वेयर b, ये bt का सिंबल इज द ट्रांसपोज ऑफ b एंड i3 इज अ 3 × 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से क्या होगा। सो क्वेश्चन दे रखा है ए और बी दो 3 × 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है एंड दोनों के बीच में कुछ दो रिलेशन दे रखे हैं, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2b का ट्रांसपोज एंड 3a + 2b इज इक्वल्स टू 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पहले ही क्लास में पढ़ा था क्या होता है, एंड ये चार ऑप्शन है तो इसमें से कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सो देखते हैं, ए एंड बी दो मैट्रिक्स है 3 × 3 के, जो दो इक्वेशन हमें दे रखी है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2b का ट्रांसपोज एंड दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3a + 2b इज इक्वल्स टू i3। इन दोनों के साथ तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वेशन 1 को लेते हैं एंड दोनों तरफ ट्रांसपोज करते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, a + b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 2b ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ये होल ट्रांसपोज इसका क्या होगा, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, इट विल बी a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल बी b इटसेल्फ। यहाँ से हम निकाल लेंगे b इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज / 2। ये b की एक वैल्यू आ गई हमारे पास, अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट दिस वैल्यू इन 1। तो क्या आएगा हमारे पास, a प्लस b की जगह ये पूरा टर्म a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज / 2 इज इक्वल्स टू 2b ट्रांसपोज। सो देखते हैं a + a ट्रांसपोज / 2 + b ट्रांसपोज / 2 इसे कर सकते हैं इज इक्वल्स टू 2b ट्रांसपोज। इस b ट्रांसपोज / 2 को इधर ले जाते हैं एंड इसे इधर कैलकुलेट करेंगे तो 2a + a ट्रांसपोज / 2 इज इक्वल्स टू 2b ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज / 2। ये हमारे पास आएगा 3b ट्रांसपोज / 2, 2 × 2 = 4b ट्रांसपोज, 4 - 1 = 3 एंड यह हमारे पास है 2 × 8 ट्रांसपोज / 2, 2 × 2 और 2 कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2a = 3b ट्रांसपोज - a ट्रांसपोज / 2 को हम इधर ले आते हैं 3b ट्रांसपोज - a ट्रांसपोज / 2। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू हमने ऊपर ही निकाल रखी थी एंड जो दूसरा इक्वेशन हमें दे रखा है a और b में, उसमें ये दोनों वैल्यू हम जाकर पुट कर देंगे तो 3 × a, a है हमारे पास क्या है 3b ट्रांसपोज - a ट्रांसपोज / 2, 3b ट्रांसपोज - a ट्रांसपोज / 2 + b क्या हमने कैलकुलेट करा है + 2b b है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज / 2 + 2b a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज / 2 इज इक्वल्स टू i3 i3 है हाँ i3।
सो अब इसे कैलकुलेट करते हैं। ये 3 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 9 बी ट्रांसपोज बनाएगा माइनस 3 ए ट्रांसपोज बनाएगा अपॉन 2। ये 2 और 2 कैंसिल, इसे कैंसिल नहीं करते हैं। अब इस ये 2 LCM में लेके इसे इधर भेज देंगे हम, तो ये आ जाएगा 9 बी ट्रांसपोज माइनस 3 ए ट्रांसपोज प्लस 2 ए ट्रांसपोज प्लस, यहाँ पे भी 2 होगा ना, 2 दोनों का मल्टीप्लाई था, सॉरी 2 बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 2i3। तो हमारे पास आ गया 9 बी ट्रांसपोज प्लस 2 बी ट्रांसपोज 11 बी ट्रांसपोज 3 ए ट्रांस माइनस 3 ए ट्रांसपोज प्लस 2 ए ट्रांसपोज विल बी माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2i3। अब इसमें भी दोनों तरफ हम पूरे का ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 11 बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 2i3 का होल ट्रांसपोज। अगेन ये 11 बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा तो फिर ये 11 बी आएगा, एंड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा तो ये ए आएगा, एंड आई के आई का ट्रांसपोज होगा तो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी 2i3। इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन में ए बी और i3 में एक इक्वेशन गिवन थी जिसे हमने इक्वेशन 2 माना था, एंड हमने एक कैलकुलेट करा खुद से ए बी और आई में जो इक्वेशन 3 है, तो इसकी हेल्प से हम ए और बी निकाल सकते हैं। ऑफकोर्स निकाल सकते हैं, क्या है ये इक्वेशन, सो 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू i3, जो कि ये इक्वेशन 2 क्वेश्चन में हमें गिवन है। नाउ ये दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। सो पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके इसे ऐड कर देते हैं, सिंपल मैथ से। ये ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 33b माइनस 3a एंड 6i3, एंड इसे एज इट इज़ रहने देते हैं i3, इसे ऐड कर देंगे तो फिर ये 3a कैंसिल, 33b प्लस 2b विल गिव अस 35b एंड इट विल बी 7i3, बी विल बी 7/35 दैट इज 1/5 यानी i3/5, बी के वैल्यू आ गई i3/5। इसे हम इस इक्वेशन में पुट करके ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3a इज इक्वल्स टू i3 माइनस 2b दैट इज 2i3/5, तो ये हो जाएगा, इट विल गिव अस 5 माइनस 2 दैट इज 3i3/5, 3a इज इक्वल्स टू 3 कैंसिल होके a इज इक्वल्स टू i3/5 मिल जाएगा हमें। ए एंड बी की वैल्यू सेम आ गई है हमारे पास, तो अब ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शन से कोशिश करके देखते हैं कुछ निकलता है क्या हमारे पास। ए एंड बी दोनों की वैल्यू है i3/5 एंड i3/5, तो ऑप्शंस में पुट करके देखते हैं कैसे सेटिस्फाई कर रहा है। पहले वाले में पुट करें तो 5 × i3/5 प्लस 10 × i3/5, क्या ये 2i3 होगा, हाँ ये 2i3 ही होगा, कैलकुलेट करके देखते हैं। 5 × i3/5 प्लस 10 × i3/5, इट विल गिव अस i3 प्लस 2i3 3i3, ये आ रहा है 3i3 हमारे पास, ये नो आई वॉज रॉन्ग, पहला ऑप्शन गलत है, वह दूसरे ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 10a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 3i3, 10a दैट इज 10i3/5, 5b दैट इज 5i3/5, 2i3 प्लस i3 3i3, हाँ दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपको ये सवाल समझ आया हो, सिंपल था बस थोड़ा लेंदी था, सो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ ए इज इक्वल्स टू
एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है एंड सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 9i वेयर i इज अ 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन द ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी की वैल्यू पूछी है एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसका उसके ट्रांसपोज के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो 9i आता है तो ए एंड बी की वैल्यू पूछी। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है जेई में आ रखा है तो बट सो देखते हैं ए दे रखा है हमारे पास 1 2 2 2 1 -2 ए टू बी ये ए मैट्रिक्स दे रखा है गिवन है ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 9i एंड ए बी की वैल्यू पूछी है तो सबसे पहले तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं लास्ट क्लास में देखा था हमने रोज को कॉलम में लिख देना है ये रहा पहला रो से पहला कॉलम बना के लिख दिया ये रहा दूसरा रो से दूसरा कॉलम बना के लिख दिया सिमिलरली ए ट्रांसपोज नाउ ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा देखते हैं ए एंड यहाँ हमारे पास है ए ट्रांसपोज सही तो है हाँ सही है सो इस कैलकुलेट करते हैं रो बाय कॉलम 1 into 1 1 2 into 2 4 अगेन 2 into 2 4 1 into 2 2 plus 2 -4 ए प्लस 4 plus 2 बी 2 plus 2 -4 4 plus 1 plus 4 2a plus 2 minus 2b now a plus 4 plus 2b and 2a plus 2 2a plus 2 minus 2b and a square plus 4 plus b square ये आ गया ये इक्वल बता रखा है 9i यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 9 है सो ये इसके इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे आप इसे कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं जैसे यहाँ पर 9 आएगा यहाँ पर 0 आएगा मैं लिख देता हूँ ये 9 बन रहा है यहाँ पर 0 बन रहा है यहाँ पर ए प्लस 4 प्लस 2 भी है ये यहाँ पर भी 0 बन रहा है यहाँ पर 9 बन रहा है यहाँ 2a प्लस 2 माइनस 2b यहाँ a प्लस 4 प्लस 2b 2a प्लस 2 माइनस 2b एंड a स्क्वायर प्लस 4 प्लस b स्क्वायर ये इक्वल है 9i के इसका मतलब ये दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी इक्वल टू 0 दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी इक्वल टू 0 आल्सो एंड ये 9 के इक्वल होगा तो ऑल्दो ये दो इक्वेशन की मदद से ही हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे दो इक्वेशन है दो वेरिएबल है तो क्या होगा हमारे पास ए प्लस 4 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स ए प्लस 2b इज इक्वल्स टू माइनस 4 सिमिलरली ये 2a प्लस 2 माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0 दिस इम्प्लाइज 2a
माइनस टू बी इज इक्वल्स टू माइनस टू, ये तो इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इससे ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, इन्हें ऐड करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस फोर आया है हमारे पास, एंड टू ए माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस टू आया हमारे पास। तो इन्हें सॉल्व करते हैं, काफ़ी सिंपल है इन्हें सॉल्व करना। टू बी कैंसिल हो जाएगा, ये थ्री ए इज इक्वल्स टू माइनस सिक्स, ए इज इक्वल्स टू माइनस टू आ गया हमारे पास। माइनस टू पुट करते हैं पहले इक्वेशन में, तो आएगा हमारे पास माइनस टू प्लस टू बी इज इक्वल्स टू माइनस फोर, टू बी इज इक्वल्स टू माइनस टू, बी इज इक्वल्स टू माइनस वन, ए इज इक्वल्स टू माइनस टू एंड बी इज इक्वल्स टू माइनस वन, ऐसा कुछ ऑप्शन दे रखा है। माइनस टू माइनस वन, माइनस टू माइनस वन। सो और भी क्वेश्चंस है आपके लिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। ए एंड बी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, एंड ए इंटू बी ट्रांसपोज इज़ अ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स। नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स होगा कब, इफ मॉड ऑफ अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होगी। मॉड ऑफ अल्फा की वैल्यू हमें इसमें से कौन सी वैल्यू के इक्वल नहीं होगी, तो फिर ये मैट्रिक्स नॉन ज़ीरो होगा। ये हमें चेक कर लें, दो मैट्रिक्स हैं ए अल्फा माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो एंड बी अल्फा प्लस वन ज़ीरो ज़ीरो। तो हमें बोला है ए इंटू बी ट्रांसपोज का प्रोडक्ट ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, उसके लिए मॉड ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू क्या नहीं होगी, मतलब मॉड ऑफ अल्फ़ा का वैल्यू क्या नहीं होगा, तो फिर वो ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं होगा। आई होप समझ गए आप क्वेश्चन को। तो पहले तो बी ट्रांसपोज निकालते हैं। बी ट्रांसपोज क्या होगा, अल्फ़ा प्लस वन ज़ीरो ज़ीरो। ए इंटू बी ट्रांसपोज करके देखते हैं, सो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हमारे पास आएगा अल्फ़ा माइनस वन इंटू अल्फ़ा प्लस वन विल बी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस वन एंड प्लस ज़ीरो ज़ीरो, देन ये ज़ीरो ये ज़ीरो। तो ये दिस मैट्रिक्स शुड नॉट बी अ ज़ीरो मैट्रिक्स, शुड नॉट बी इक्वल, शुड नॉट बी अ नल मैट्रिक्स। तो दो एलिमेंट्स तो ऑलरेडी ज़ीरो हो गए, अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो फिर ये ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर माइनस वन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस वन ज़ीरो कहाँ पर होगा पहले ये देखते हैं। तो अगर अल्फ़ा की वैल्यू प्लस माइनस वन हुई तो फिर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू प्लस माइनस वन नहीं होनी चाहिए। आराम से क्वेश्चन में यही पूछा है कि मॉड ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, तो मॉड ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मॉड ऑफ माइनस वन भी तो वन ही होगा ना, एंड मॉड ऑफ वन तो वन ही होता, तो मॉड ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन हमें दे रखा है ऑप्शन सी, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और सारे क्वेश्चंस भी हैं आपके लिए, जो हम अगले क्लास में लेक्चर के साथ थ्योरी सीखेंगे उसके साथ ही कवर करेंगे, और सारे क्वेश्चन भी। ये सारे क्वेश्चन जेई मेन्स के प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, और सारे काफ़ी आसान थे, ऑल्दो क्योंकि जेई मेन्स में ज़्यादातर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से दूसरा एक टॉपिक है जिसका नाम है क्रेमर्स रूल, उससे पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, इनसे काफ़ी इजी इजी से सवाल आते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।